बाकी सर्बिया जब दुबई से, तो पहली बात तो दुबई से एंट्री देते नहीं है ना, अबू धाबी से देते ना, दुबई से जाने नहीं कहीं देते, कहीं से नहीं जाने दे रहे, वो भी प्रॉब्लम बहुत चल रही है। नहीं जाने दे, बहुत मुश्किल है बोल रहा हूँ भाई। इस टाइम थोड़ा नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, थोड़ा क्योंकि प्रॉब्लम टाइम बहुत ज्यादा है, रुक जाना ऐसे चाहिए। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, टाइम ज्यादा अभी टाइम बहुत बोर खराब है, अभी बहुत बहुत मुश्किल है अभी। द चैनल मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई मैंने दो तीन क्लिप्स डाली थी वॉइस की, सर्बिया इमिग्रेशन पे अभी क्या सिचुएशन हो रही है, कुछ लोगों के साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब क्या मामला है पूरा, है ना। और जो भी था मतलब बहुत गलत हो रहा है और कुछ लोगों की वजह से हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भाई जो भी हो रही हैं गलत हैं। तो वो ऑडियो क्लिप थी, बट अभी इस वीडियो में आपको रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन राइट नाउ एट द बेलग्रेड एयरपोर्ट, और वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सिनेरियो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे इस वीडियो में। तो रिसेंटली अभी मेरे साथ हैं बलजीत जी, इन्होंने रिसेंटली ये सर्बिया पहुँचे हैं और इन्होंने सेम प्रॉब्लम फेस करी है। तो जो मैंने अभी जो वीडियो शेयर करी थी आप लोगों के साथ, वो प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी है। तो ये खुद आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इन्होंने वो प्रॉब्लम फेस करी, क्या सिचुएशन अभी एयरपोर्ट पे, आप लोगों को ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनको भी ट्रैवल करना है सर्बिया। तो बलजीत जी वेलकम, कैसे हो? वेलकम। ठीक है जी सर जी, उसमें ओके ठीक है रोबिन भाई बढ़िया। तो सर आप रिसेंटली आपने ट्रैवल किया है सर्बिया, ठीक है, और जी। तो अचानक से मतलब कैसे प्लान बना और क्या मतलब कहाँ से आपने ट्रैवल किया? मेरा जी प्लानिंग है जो दुबई में बना था, अच्छा दुबई से अच्छा ही अच्छा मैं प्लानिंग किया अभी दुबई में, ये अच्छा भी सर्बिया जाने का है। अच्छा 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 तो फिर मैंने क्या किया, मैं चलो सोचा, 7 वीजा मेरा दुबई का लगा हुआ है, 15 साल हो गया, अच्छा 15 साल हो तो गए उसके आपको बाद दुबई सब में, कुछ है। हाँ जी हाँ जी, 15 साल, ओके आईडी भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। तो उसके बाद मैं सोचा चलो थोड़ा ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल हाँ हाँ हिस्ट्री बनाता हूँ, हाँ हाँ जैसे कि मैं थाईलैंड, कंबोडिया, ऐसा ट्रैवल हिस्ट्री बनाने लग गया। बना के मैं सोचा चलो अभी अभी जाता हूँ इधर, अपना सर्बिया जाता हूँ। तो सर्बिया जब तो अच्छा, मैं तो एक बार अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताइए सर कि क्या ट्रैवल हिस्ट्री क्या है आपकी, कितनी कंट्रीज ट्रैवल कर रखी हैं? हाँ जी, ट्रैवल हिस्ट्री अपना है जी थाईलैंड, कंबोडिया, तो दूसरा है अपना ये दबई का, 7 वीजा लगा है, 15 साल हो गया, अच्छा 7 वीजे टोटल लगे दस हैं, वीजे लगे हुए हैं, ओके टोटल टोटल 10 वीजे लगे हैं, टोटल दो 10 वीजे लगे थाईलैंड हैं के हैं, पासपोर्ट पे। हाँ दो पासपोर्ट है, जी हाँ जी तो दो थाईलैंड के, एक कंबोडिया का, ओके और 7 वीजे दुबई के हैं, स्टिकर वीजे हैं। ओके तो थाईलैंड के स्टिकर और दूसरे स्टैंप होते हैं, तो कंबोडिया का भी स्टिकर वीजा है। ओके तो उसके बाद वो मैं आपकी वीडियो देखता रहा, जो भी है सारा देख के देख के देख के, तो मेरे को मालूम चलता गया अभी क्या क्या करना है। फिर मैंने सर्बिया के लिए ट्राई किया, सर्बिया जाने के लिए मैं सोचा पहले दुबई जाता हूँ, दुबई से सर्बिया जाऊंगा। ठीक है बाकी सर्बिया जब दुबई से, तो पहली बात तो दुबई से एंट्री देते नहीं है ना, अबू धाबी से देते ना, दुबई से जाने हाँ नहीं कहीं देते, कहीं से नहीं जाने दे रहे, वो भी प्रॉब्लम बहुत चल रही नहीं जाने दे, बहुत मुश्किल है। है। तो इसलिए फिर उसके बाद जब कभी एंट्री दे भी देते हैं तो फिर आगे परेशान करते हैं, सही, आगे 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 बहुत परेशान प्रॉब्लम है, करते हैं। आगे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो मैंने कुछ वीडियो भी शेयर करी आगे थी लोगों के का साथ, उसको प्रॉब्लम थोड़ा। रोबिन भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस है, मजाक नहीं है जी, अच्छा बिल्कुल ही। एक आदमी लोगों ने सोचा है कि यहाँ तो सर्बिया बैठ गया, हमको बोलता है ये वो, लेकिन अच्छा बहुत रोबिन भाई प्रॉब्लम है ओके सर्बिया में, बहुत प्रॉब्लम है। सही है जी, ओके जब भी हम उधर लैंड होते हैं, पहली बार तो दुबई हो, अभी तो अभी से जाने नहीं देते, किधर से भी आप चले जाओ, सब आदमी को मालूम चल गया, सब एयरपोर्ट को, एयरलाइन को मालूम चल गया हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भी सर्बिया ये इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, आदमी लोग आ जाते रहे हैं, हैं जा रहे हैं वापस नहीं जा रहे हैं, तो सबको वापस पता चला होगा। नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो जो आदमी बेचारे तो जेन्युइन ट्रैवलर है, जैसे कि चलो हाँ हम लोग हाँ घूमने फिरने वाले बिल्कुल हैं, बिल्कुल, तो वो भी हर वो भी इसमें आदमी परेशान होता है। परेशान हो रहा है, इसमें वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हाँ ये मैंने बोला लोगों को कई बार। अच्छा बलजीत जी ये जी बताइए जी कि आप चलो फाइनली जैसे पहुंच जाते इधर, इधर से दुबई से आपने बोर्डिंग वोर्डिंग ली, जैसे तैसे करके आप सर्बिया पहुंच जाते हो, पहुंच सर्बिया जाते जी। सर्बिया में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि जो मैंने वीडियो शेयर करी है, कुछ लोग बोल रहे हैं जी कि ऐसा नहीं होता, कुछ बोले कि नहीं ये सच्चाई है, तो आप बताइए कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी है वहाँ? देखो जी रोबिन भाई, जब भी हम लैंड हुआ ना प्लेन, तो एकदम हम लोगों का जो एक आदमी लोगों का एक आदत है ना, इंडियन आदमी का, खास करके इंडियन, अच्छा अपना, मैं भी इंडियन हूँ,
एकदम प्लेन से भागते हैं, प्लेन से अच्छा ऐसे उतर के भागते हैं जैसे जैसे भागते, जैसे कि ना एक जेल से छूट गए हैं, जेल से भी छूट पता के नहीं भाग रहे हैं। अभी आगे क्या है। उसके बाद जब आदमी, जब भी प्लेन लैंड होता है ना, उसके बाद वो पुलिस वाले सर्बिया के आगे खड़े होते हैं, अच्छा 8-10 ओके। सामने खड़े होते हैं, जैसे प्लेन से उतरा आदमी आपने वैसे आपने देखते कौन हैं, सी आदमी को एयरलाइन से देखते ट्रैवल हैं। किया था? पेगासस, अच्छा पैगेसिस से आपने ट्रैवल किया। ओके पेगासस। तो उससे जब आदमी जब उतरते हैं तो प्लेन से, उसी टाइम वो आदमी पुलिस वाले आगे खड़े हैं, 8-10, दो तीन लेडी है बाकी जो जगह से, वो देखते हैं कि ये आदमी क्या कर रहे हैं। ओके जब मेरा प्लेन, मेरा जो फ्लाइट में 10 गोरा लोग था कि अच्छा सही, बाकी हाँ सब इंडियन था, सब इंडियन थे तेरी। सब इंडियन था जी, कितना ओके ओके टोटल बाकी सब। जब भी जब उधर इमिग्रेशन पे गए तो आपको मालूम है, अपना इंडियन आदमी, मैं भी, चलो मैं भी इंग्लिश नहीं हाँ बोलता, जी मेरे को भी थोड़ा थोड़ा आता है, हाँ हाँ तो इंग्लिश में वो बोला हाउ मच मनी, वो उसके मैडम के चेहरे की तरफ देख रहा है, तो हाउ मच मनी। अच्छा। मतलब दिखता है ये चीज दिखती है कि भाई ये वैसे आया हुआ है ये। हाँ, इंग्लिश उनको भी हमारे जैसा ही आता है, ऐसा बात हाँ नहीं है हाँ कि उनको भी इंग्लिश बहुत हाई फाई, हाँ उनका भी उनकी भी इंग्लिश है, उनकी भी इंग्लिश है, ऐसी। उनका भी हमारे जैसा ही है, हाँ। लेकिन वो, लेकिन अभी हाउ मच पूछ रहा है, वो ऐसे नहीं पूछ रहा है हाउ मैनी कैरी मनी, सही है ना, हमको भी चलो पता है, तो इतना तो समझ लेता ना आदमी। बिल्कुल तो बिल्कुल वो उसकी चेहरे, जब एक लड़का, दूसरा लड़का, दूसरे लाइन में भी ऐसा ही हुआ, अच्छा उन्होंने क्या किया, सबका पासपोर्ट पकड़ा, डॉक्यूमेंट पकड़ा, बोला जाओ एक कमरे में बंद कर दिए, ओ जाओ ओके किसी को एंट्री नहीं देंगे, ओके जाओ। पूरा गोरा लोगों ने निकाल दिया, वो कि इंडियन पूरा एक कमरे में बंद कर दिया, अच्छा 6 घंटा 7 घंटा हम लोगों को बंद कर दिया। नहीं तो आप गए काउंटर पे, आपको भी आपके साथ भी ऐसा ही किया? सबके साथ जब 2 दिन आगे वाले फर्स्ट टाइम में जब एंट्री उन लोगों ने देख लिया, भी ये अच्छा लोग ऐसा कर रहे हैं, तो बाकी सारा सेम ही है ना, फिर तो सबको ही पकड़ लिया फिर। सबको ही वो डाल दिया, वो लोग फिर सबको ओके डाल दिया। तो इसीलिए तो मैं फिर बोलता उसके हूँ कि बाद ये जैसे कहीं जेनुअन ट्रैवलर होते हैं ना उनको प्रॉब्लम होती है इसी चक्कर में, कुछ जेनुअन बंदे भी होते हैं ऐसा इसी नहीं चक्कर, है। और जब जी वो जी उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन जब ऐसा होगा तो फिर सबको पकड़ लिया, मतलब ये वही बात हो गई ना ये तो। सबको, सर जी सबको पकड़ लिया। उसके बाद जब मैं भी गया, तो मेरे को, मेरे पास सब कुछ था, मेरे को बोला, मैडम बोली जाओ पूरा आदमी उधर जाओ, अच्छा पासपोर्ट पकड़ के पकड़ के पूरा एक रूम में डाल दिया पूरा आदमी को, 7-7 घंटा। 6-7 घंटे। जब 6-7 घंटा, हाँ 6-7 घंटा डाल दिया, तो वो लोग ना उनको पानी ना बाहर निकलने दे रहे, सामने खड़े हो गए, ना बोलते मोबाइल चलाओ, वीडियो बनाने का नहीं है, कुछ भी नहीं करने का, इधर सब कुछ जैसे कि एक जेल होती है ना, जेल जैसा हो जाता है ना, कि बाहर नहीं जाना, पानी नहीं पीना, पानी नहीं देना। पुलिस वाला अच्छा था बेचारा, बहुत अच्छा था, सबको पानी का बोतल भर भर के लेके दे रहा था, ओके पानी पियो पानी पियो, ओके अच्छा था बेचारा, बोलता थोड़ा थोड़ा पीते जाओ। एक अभी आपको मालूम, इतना आदमी, कम से कम 70-80 आदमी था, कुछ बाहर बिठा दिया, कुछ अंदर डाल दिया, लेकिन जाने सारे नहीं दिया किसी को सारे के भी। सारे इंडियन थे कि कोई दूसरी कंट्री के लोग भी थे? उसके बाद हाँ सारे जी सर, सारे इंडियन ही थे कि दूसरी कंट्री के लोग भी थे? नहीं, सर इंडियन थे, सब टोटली इंडियन। इंडियन, ओके हाँ टोटली इंडियन है, 90% पंजाब, 95% पंजाब था, अच्छा पूरा पंजाब हाँ भरा था 5% उनका। थोड़ा हरियाणा राजस्थान थोड़ा था, ओके 5%। फिर तो उसके बाद, हाँ जी उसके बाद सब कुछ जी उनको लॉक कर दिया हम लोगों को, भी तुम हिलना नहीं इधर से। तो आपको मालूम है ना, पुलिस उधर का कोई भी नहीं, कुछ भी कर सकता है ना आदमी, इधर बोल दिया बैठ जाओ बस, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद जी हम लोगों को एक पुलिस वाला, मैं बताया ना आपको, पानी दे रहा था, अच्छा था वो। तो उसके बाद जी थोड़ा टाइम हुआ, 6-7 घंटा गुजरा, तो थोड़ा स्टाफ चेंज हो गया। तो उससे पहले पहले उन लोगों ने क्या किया, जो पुराना स्टाफ था, 20 लड़कों को अंदर, उन लोगों ने अंदर एक जेल बना के रखा है, कैसा रूम, उधर डाल दिया 20 लड़कों को रिपोर्ट करने के लिए। फिर 20 लड़के और डाल दिए, 40 हो गए, फिर रह गए ज्यादा से ज्यादा 30-40-40 और होंगे, इतने को होंगे 35-40 और। फिर उसके बाद स्टाफ चेंज हुआ, तो उसके बाद बोला अच्छा जी, वो आगे मैडम देखा,
और आदमी भी था, वो देखा भी इतना आदमी बैठा है, उसने पहले नहीं देखा इतना टोटल आदमी कितना था। जब हम लोगों को 35-40 को देखा तो एकदम बोला, क्यों आए हो इधर, क्या है, क्या है इधर, ऐसा व्हाई यू कम हेयर, व्हाई यू कम हेयर, ये वो नाम बुला के हमको एंट्री दे दी। अच्छा 7 घंटा बिठा के, 7 घंटा बिठा के, हम वो भी हमको मालूम नहीं था, हम तो सोचा भी हम वापस भी करेगा हम लोगों को, अच्छा बाकी हमारा आधा आदमी वापस कर दिया तो हम लोगों को भी वापस करेगा लोग, भी हम ओके लोगों को ओके भी नहीं जाने थे, तो इसलिए हमारे दिल में यही डर था भी हम फिर तो मतलब ये हमको जो वापस ना कुछ बंदे मुझे करें। बता रहे थे कि उसमें जेल में पकड़ के डाल देते हैं, वहाँ पे मतलब मांस वास भी खाने को देते हैं वो, ज़्यादा ऐसा कुछ ऐसा ही है वहाँ पे? जी, ऐसा है, बात सच है, वैसा ही है, उन लोगों का खाना ऐसा ही है जी, वो नहीं है कि हम लोगों को जैसे दाल रोटी चावल है, वो नहीं, सही बात है, उन सही बात लोगों का खाना अलग ही है सर, है। और वो वही देते हैं उन अभी, लोगों का खाना ऐसा और क्योंकि भी ऊपर से जब बंदा ऐसे इलिग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन, तो फिर तो कोई वो सेवा थोड़ा ही करेंगे, वो तो वैसे ही करेंगे। नहीं, हाँ सर ऐसा करेंगे, वो लोग पनिशमेंट देते हैं ना, वो पनिशमेंट होता है, सही बात है, सही बात है। अच्छा पनिशमेंट तो है वो। फिर तो चलो, क्यों आए हमारी कंट्री में तुम, हाँ तो क्यों आए फिर हो? आप बताओ कि आपकी लोगों को भी जाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? देखो रोबिन भाई, मैं तो अपने भाइयों को, जितने भी मेरे भाई है सर्बिया जाने के लिए सोच रहे हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, इस टाइम थोड़ा नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, थोड़ा क्योंकि प्रॉब्लम टाइम बहुत ज़्यादा है, रुक जाना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा अभी हो रहे टाइम हैं बहुत लोगों खराब है, अभी बहुत बहुत मुश्किल है, अभी बहुत वो लोग डिपोर्ट कर रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, यानी कि आदमी परेशान होएगा जाके फायदा नहीं है, अभी बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। रुक जाओ, जाओ मुश्किल नहीं है, हम ये नहीं बोलते नहीं जाओ, हम भी आए हैं आप भी आओ, सब आओ, सही बात लेकिन है, थोड़ा सा वेट करो समय का, बिल्कुल टाइम का थोड़ा बिल्कुल, वेट करो, अभी थोड़ा टाइम खराब है, टाइम अभी खराब है। सही नहीं है, ओके ओके। और अभी के इसलिए टाइम में, हर अभी के आदमी टाइम में को। सर्बिया में कैसा वेदर है, क्या टेम्परेचर वगैरह क्या क्या है? टेम्परेचर तो सर माइनस में जा रहा है, अभी बहुत ठंडी है इधर, बहुत बहुत ठंड हो गई सर्दी है, है राइट? हाँ बर्फ पड़ रहा है सर इधर। ओके। अच्छा भैया, ये मैंने सुना है कि अभी ये सर्बिया भी जैसे ऐसे ही जैसे पंजाब हो, मतलब इतने सारे लोग हैं वहाँ पे सर्बिया में? नहीं, सर आपको ऐसा आदमी ऐसा नहीं मिलेंगे, अच्छा ऐसा नहीं है, रोड पे आपको आदमी नहीं मिलेगा, अच्छा रोड पे नहीं मिलते। हाँ जिधर भी है होटल में लुके, कैसे भी होटल में बैठे हैं, किधर अच्छा बैठे अच्छा हैं, अच्छा ऐसे ऐसे, बैठेंगे, बाहर नजर नहीं आएंगे आपको सर, अच्छा है बाहर नहीं बहुत है, है, है बहुत। कम से कम भी 50,000 1 लाख के करीब होंगे ओके अभी भी, लेकिन क्या है अच्छा, कि लेकिन लेकिन आपको नजर नहीं कोई आएगा, ओके ओके, मतलब इतने बंदे हैं वहाँ पे अभी भी? ये तो हाँ बहुत अभी भी है सीरियस जी, मैटर है यार, सीरियस मैटर है बहुत ज़्यादा। बहुत सर। अभी आप सोचिए सर, कितना फ्लाइट आता है सर्बिया के लिए डेली, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो ये जितने भी कंट्रीज कतर ओपन से, है दुबई सब पे यही से। प्रॉब्लम हो रही है सर्बिया के लिए बोर्डिंग में, क्योंकि भाई ये बहुत बुरा जी जी इशू है बिल्कुल अभी तो, इसीलिए भाई जी देखो हम तो आपको रियलिटी जी से रूबरू करवा रहे हैं भाई, कि जी कैसे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या सिचुएशन है, क्या डॉक्यूमेंट्स का कैसे, तो कैसे ये भी जी पहुंचे हैं, जी तो रिसेंटली पहुंचे, रिसेंटली आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर भी कर रहे हैं, जो वीडियो ऑडियो क्लिप मैंने डाली थी वो भी एकदम ट्रू थी, तो इस चीज़ को आप थोड़ा जी समझो भाई। और मैं तो बोलते हैं और वीडियो में कि भाई ऐसा कुछ लोग जो जा रहे हैं लीगली, मत करो ऐसा, ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि और जेनुअन ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम होती है, इनकी ट्रैवलर इससे भी ठीक ठाक है, और ऊपर से 15 साल उन्होंने दुबई में काम भी किया है, रेजिडेंसी भी है सब कुछ, और ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो उसके बाद भी उनको देखिए उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई, तो हो सकता है कि भाई जेनुअन ट्रैवलर अगर आप भी करोगे तो आपके साथ भी प्रॉब्लम होगी, तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान रखना भाई, जी और इस वीडियो को आप शेयर कर देना, ताकि कोई जो भी सोच रहा है अभी प्लान करने का, अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सके। और भाई कोई डाउट रहता है आपका किसी भी चीज़ को लेकर, तो इंस्टाग्राम मेरा आ रहा है नीचे, वहाँ पर आप फॉलो करो, मैसेज करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। और थैंक यू बलजीत जी, आपने टाइम निकाल के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इट विल बी हेल्पिंग लोट ऑफ पीपल हु वॉन्ट्स टू ट्रैवल, हु विल बी ट्रैवलिंग देयर, सो इट विल बी हेल्पिंग अ लॉट। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक टिल यू। देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट।